नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पे आई हुई एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सिंपली टाइप करना है NMRC नोएडा। तो आपके सामने इस तरीके का एक लिंक खुलेगा, यहाँ पे सबसे पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करियर कॉलम में जाना है। करियर कॉलम में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि ये नोटिफिकेशन में जाना है। तो यहाँ पे आपके देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ JEE SC2 ये आपका एक लिखा हुआ है। तो इस यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का एग्जाम है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए एक खुल जाएगा BECIL.CBTExam.in। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये जो भी डिटेल्स है ये आप लोग अपना भर देंगे। और यदि अगर आपको लगता है कि स्टेप बाय स्टेप एक इसका वीडियो बनाना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप भी वीडियो बना देंगे। ये आप लेकिन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेप बाय स्टेप बनाना है कि नहीं बनाना है। यहाँ पे देखिए व्यू एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। तभी हम लोग इसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल देखने वाले हैं। तो क्या है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्ट इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अमिनी रत्ना कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस का ये इनका एड्रेस है, सेक्टर 2 नोएडा उत्तर प्रदेश। ये इनका फोन नंबर है, इनका वेबसाइट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, ये कब से स्टार्ट होगा, तो 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो इधर अप्लाई करना है तो देरी करने वाली कोई बात ही नहीं है, अप्लाई करना चाहिए, आप अप्लाई कर चुके हैं। एप्लीकेशन फी टू बी पेड बिटवीन फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 22 जुलाई से ही आपका पेमेंट भी कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है 21 अगस्त, इसी 21 अगस्त तक ही पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपको पेमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया। पेमेंट मोड विल बी ऑनलाइन ओनली, मतलब ऑफलाइन इसमें कोई चालान वगैरह के थ्रू पेमेंट नहीं होगा, आपको केवल और केवल जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। इसका वैकेंसी नोटिस के बारे में हम लोग देखते हैं तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर इम्पैनल्ड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इन देयर ऑफिस एट नोएडा/ग्रेटर नोएडा फॉर फॉलोइंग पोस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जैसे कि इन पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो हम लोग एक दो डिटेल में दिखते हैं, फिर आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखेगा, आप वहाँ पर डिटेल में देख लेना। जो भी मेन मेन जानकारी होगा अभी हम लोग मेन मेन जानकारी को ही डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, एक का डिस्कशन कर दो। पोस्ट कोड क्या है, NE01, वो नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम क्या है, स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर, ठीक है, किस पोस्ट की रिक्रूटमेंट है, स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर की। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरीज या बैकलॉग पोस्ट, ठीक है, वैकेंसी कितना है, 9, 9 में टोटल, अनरिजर्व का 2 है, OBC का 2 है, SC का 1 है, ST का 1 है, वोमेन का 1 है, उसमें डबल स्टार लगा हुआ, डबल स्टार का मीनिंग नीचे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल स्टार का जो भी मीनिंग दिया हुआ, ऑन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बेसिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बेसिस पे है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन साइंस और 3 ईयर्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, सिविल मैकेनिकल, ITI/कंप्यूटर साइंस और BTech इन एडवांस एबव डिसिप्लिन्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज अंडर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए एज ऑन 1/1/2019, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स, मतलब उमर जो है उसका 18 से 32 हज़ार। रिम्यूनरेशन पर मंथ कितना मिलेगा, 35,000 पर मंथ फिक्स्ड, ये अच्छा है। एनुअल इंक्रीमेंट 5% बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपको एनुअल इंक्रीमेंट होगा 5% का, ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एडिशनल फैसिलिटी क्या मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ ₹2 लाख फॉर सेल्फ एंड स्पाउस ओनली प्लस एक्सीडेंटल एंड नेचुरल डेथ कवरेज ऑफ ₹10 लाख, तो ये आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड। रिमार्क में साइको टेस्ट वुड बी कंडक्टेड ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन, ए कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई साइको टेस्ट एंड मीट मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ प्रिस्क्राइब कैटेगरी, मतलब जब इसे रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर ले तो उसके बाद आपको एक साइको टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ओके तो आपको इस साइको टेस्ट में प्लस ये मेडिकल स्टैंडर्ड सर्टिफाई करना है। उसी तरह से आप देख लीजिएगा NE02 कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट का सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, NE03 जूनियर इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, NE04 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, NE5 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, NE5 जूनियर इंजीनियर सिविल, NE7 मेंटेनर या फिटर, NE8 मेंटेनर या इलेक्ट्रीशियन, NE9 मेंटेनर या इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक, NE10 मेंटेनर स्लैश रेफरेंस रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, NE11 अकाउंट असिस्टेंट, NE12 ऑफिस असिस्टेंट, टोटल आपका 199 है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डिटेल था। एक्स सर्विसमैन का मतलब एक्स सर्विसमैन ऑफ UP
ठीक है, केवल ये यूपी का एक सर्विस मैन ही चलेगा। DFF डिपेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो भी फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट होते हैं यूपी के हैं, तो उनके लिए ये एलिजिबल है। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, GD ग्रुप डिस्कशन, हैशटैग जहाँ पे भी यूज किया गया है तो उनका मतलब है यहाँ पे ऑल वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल देखना है तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट सब्जेक्ट टू एलिबिलिटी बट एप्लीकेशन मनी फॉर ईच इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट सेपरेटली। मतलब एक से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा जो भी आपके लिए होता है। टेन्योर की बात करें ये इंपॉर्टेंट है, द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट वुड बी फॉर 3 ईयर्स, कितना दिन साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा। द कैंडिडेट विल हैव टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिनिमम 2 ईयर्स, इन केस दे लीव बिफोर 2 ईयर्स श्योरिटी बॉन्ड अमाउंट विल बी पेएबल एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। मतलब 2 साल से पहले आप जो सभी छोड़ नहीं सकते हैं, 2 साल से पहले छोड़ेंगे तो जो भी बॉन्ड में इन्होंने मेंशन किया है वो बॉन्ड का अमाउंट आपको पे करना होगा। कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिव डेसिव कैन ऑल्सो अप्लाई एक्सेप्ट मेंटेनर पोस्ट फॉर विच ITI, NCVT, SCVT इन स्पेसिफाइड ट्रेड्स इज एसेंशियल। मतलब जैसे कि आप जैसे हायर क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेंटेनर के पोस्ट में जैसे कि आप हायर क्वालिफिकेशन के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशन, हाउएवर दे मस्ट नोट द रिटन टेस्ट फॉर पोस्ट कोड एनी 3, 4, 5, 6 मे बी हेल्ड ऑन वन सिंगल डे डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। मतलब मान लीजिए कि आप इतना सारा के लिए दे सकते हैं तो हो सकता है कि आपका NE3 और NE4 का एग्जाम भी एक साथ हो जाए तो आप दोनों एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसका इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हो सकता है एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जितने बहुत ज़्यादा आएगा तो अलग अलग करवाएंगे, बहुत कम आएगा तो एक साथ भी करवा देंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई करते समय। रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर रिमेनिंग पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन डिफरेंट डेट्स, इसका जो है कि जो भी अदर पोस्ट है उसका रिटर्न एग्जामिनेशन अलग अलग डेट्स में होगा। एज सच कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट मस्ट कीप दिस कॉम्बिनेशन इन माइंड, में ये कॉम्बिनेशन को आप माइंड में रखेंगे जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है। कैंडिडेट्स आफ्टर सिलेक्शन आर लाइकली टू बी पोस्टेड एट दिल्ली NCR और एनी प्रोजेक्ट्स ऑफ NMRC। मतलब ज़्यादातर चांसेस है कि दिल्ली NCR में ही आपको पोस्ट किया जाएगा, या तो फिर जो भी उनका NMRC का प्रोजेक्ट चल रहा होगा नोएडा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का, उसके प्रोजेक्ट बेसिस पर आपको पोस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट हैव ITI, NCVT, SCVT इन स्पेसिफिक ट्रेड्स ओनली टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर, पोस्ट कोड NE7 to NE10। ए कैंडिडेट विद डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स विदाउट ITI विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर मेंटेनर पोस्ट। मतलब आप यदि अगर डिप्लोमा है विदाउट ITI का तो आपको जो है मेंटेनर के पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम लोगों का, रिजर्वेशन ऑफ PWD हैज बीन प्रोवाइडेड इन आइडेंटिफाइड कैटेगरीज फॉर पोस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट एडमिसिबल। क्वालिफिकेशन की बात करें, एज प्रेस्क्राइब्ड एवर कैंडिडेट हु आर अपियरिंग एट द क्वालिफाइंग एग्जाम पासिंग ऑफ विच वुड मेक दम एडुकेशनली एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट हैव नॉट येट बीन इन्फॉर्म ऑफ द रिजल्ट विल ऑल्सो बी एलिजिबल। ठीक है, फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू एग्जामिनेशन इफ अदरवाइज बट देर कैंडिडेचर वुड बी डीम्ड टू बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन इफ दे नॉट प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और स्किल टेस्ट, साइको टेस्ट, GD, पर्सनल इंटरेक्शन विच इज लाइकली टू बी हेल्ड टेंटेटिवली बाय September 4th week। द प्रूफ ऑफ पासिंग रिजल्ट वुड हैव बीन डिक्लेयर इन डोमेन थ्रू न्यूज पेपर्स वेबसाइट। मतलब आपको जैसे कि आपका क्वालिफाइंग एग्जाम को पास नहीं किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर टाइम पे जो कि सितंबर का लास्ट वीक में उस टाइम आपको प्रोड्यूस करना होगा। रिजर्वेशन और पर्सन विद डिसेबिलिटी की डिटेल दिया हुआ है, जॉब प्रोफाइल क्या होगा उसका भी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, द जॉब प्रोफाइल ऑफ कस्टमर रिलेशन सारा का जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है, द ड्यूटी ऑफ स्टेशन कंट्रोलर उसका भी ड्यूटी दिया हुआ है क्या आपका ड्यूटी होगा, द जॉब प्रोफाइल ऑफ जूनियर इंजीनियर, द जॉब प्रोफाइल ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, जॉब प्रोफाइल ऑफ मेंटेनर, द एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे है, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज रिटन टेस्ट 2 पेपर, रिटन टेस्ट 2 पेपर होगा, साइको टेस्ट क्वालिफाइंग एंड पर्सनल इंटरेक्शन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मतलब इंटरव्यू भी होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, NBML आज रिजर्व द राइट टू इंट्रोड्यूस एडिशनल फीस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इन कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस फॉर स्क्रीन कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड डिसीजन रिगार्डिंग कॉलिंग सच नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी डिसाइडेड बाय NMRC ओनली। मतलब इनको जरूरत पड़ेगा तो एक्स्ट्रा भी CBT भी कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। देयर विल बी नो जनरल इंग्लिश पेपर फॉर दिस कैटेगरी एंड नो इंटरव्यू फॉर दिस पोस्ट। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। रिटन टेस्ट ये हम लोगों को कहा गया, द रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे इन द सेम सेंटर। मतलब उसी दिन होगा, उसी सेंटर पे होगा। पेपर विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बायलैंग्वल, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ऑन जनरल अवेयरनेस, लॉजिक एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन या ट्रेड। मतलब ठीक है, जो भी आपका डिसिप्लिन या ट्रेड होगा उसका जनरल, उसका नॉलेज से भी क्वेश्चन रहेगा, नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है,
एंड देयर विल बी अ टोटल ऑफ 90 क्वेश्चंस ईच कैरिंग इक्वल मार्क्स, ठीक है, 90 क्वेश्चन होगा, सब एक एक नंबर का आपका होगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी होगा, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स विल डिडक्टेड, द पेपर वन शैल बी 90 मिनट ड्यूरेशन, मतलब 90 मिनट में आपका 90 क्वेश्चन रहेगा और ये आपका सिलेबस रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एलिजिबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ आपका जो भी ब्रांच रहेगा। पेपर टू की हम लोग बात करें तो नॉट फॉर मेंटेनर पोस्ट एनी 7 to 10, 7 से 10 तक आपका नहीं रिक्वायर्ड है पेपर टू का, केवल उससे ऊपर जो है उसके लिए पेपर टू रिक्वायर्ड है। विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश टू जज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब पेपर टू में आपका इंग्लिश होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को जज करने के लिए। देर विल बी टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस ईच कैरिंग इक्वल मार्क्स, 30 क्वेश्चन होगा, सभी के एक मार्क्स का होगा। देर विल बी निगेटिव मार्किंग, इसमें भी निगेटिव होगा, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, गलत करते हैं तो 1/3 आपका डिडक्ट होगा। द पेपर टू शैल बी 30 मिनट्स ड्यूरेशन, तो इजी है फ्रेंड्स, इंग्लिश इसका स्ट्रॉन्ग हो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कर रहा है और इंग्लिश में आसानी से आप लोग 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन पेपर टू जनरल इंग्लिश टू बी एलवेलेटर फॉर पेपर वन एक्सेप्ट फॉर मेंटेनर्स, मतलब जो आपको जनरल टू के इंग्लिश पेपर में क्वालिफाई करना होगा तभी आपका जनरल वन पेपर वन के इंग्लिश पेपर वन जो आपने दिया था उसको एवेलुएट करेगा, मेंटेनर को छोड़ करेगा, क्योंकि मेंटेनर में आपको पेपर टू है ही नहीं। कैंडिडेट्स हु स्टैंड इन द मेरिट ऑफ रिटन टेस्ट और पेपर वन विल बी कॉल्ड पर्सनल इंटरेक्शन, साइको टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन इन नोएडा, दिल्ली NCR। रिटन टेस्ट कैन बी कंडक्टेड आइदर थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक है, मतलब आपको बुलाया जाएगा, रिटन टेस्ट आपका ऑनलाइन मोड में होगा। देर विल बी नो पेपर टू फॉर मेंटेनर कैटेगरी, 7 से 10 के लिए कोई पेपर टू नहीं होगा, पहले भी बता दिया गया था। नो रीइंबर्समेंट शैल बी मेड टू द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशन और फॉर पर्सनल इंटरेक्शन, साइको टेस्ट, स्किल सेट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एज द केस में भी, मतलब आपको किसी भी तरह से कोई आपको रीइंबर्समेंट नहीं दिया जाएगा। कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, रिजर्वेशन का भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन के बारे में ऊपर भी दिया हुआ था, यहाँ भी दिया हुआ है, अपर एज की बात करें तो उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, नॉन रिफंडेबल 675 रुपये आपको लगेगा, SC ST PWD के लिए कितना लगेगा, 500 रुपये लगेगा, ठीक है। विल नॉट बी रिफंडेड, वो किसी भी कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, लगभग आपका टोटल जो है सो कि 15 स्टेप है, ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, लगभग यहाँ पे आपको 19 पॉइंट है, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ओके, ये एक छोटा सा अपडेट था फ्रेंड जो मुझे आपको देना था। जो लोग भी इसको अप्लाई कर रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि इस तरह के रूल अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।